कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में आसमान से एक बार फिर आफत आने वाली है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसे उल्कापिंड की पहचान की है जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एजेंसी ने अपने अलर्ट में कहा कि करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक उल्कापिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इसकी रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जे उल्कापिंड 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होगा। जे उल्कापिंड अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। नासा ने इस उल्कापिंड का नाम रोक 163348 रखा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जे 6 जून को पृथ्वी की सतह के बहुत करीब से गुजरेगा। इसकी संभावित लंबाई 250 से लेकर 570 मीटर है और चौड़ाई 135 मीटर है। जे उल्कापिंड सूर्य के करीब से गुजरता हुआ धरती की कक्षा में दाखिल हो रहा है। बीते 21 मई को भी 1.5 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड धरती के काफी करीब से होकर गुजरा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस उल्कापिंड की धरती से टक्कर होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के चलते इस तरह के उल्कापिंड पृथ्वी के परिवेश में आखिरी समय पर भी प्रवेश कर जाते हैं। नासा के मुताबिक रोक 163348 उल्कापिंड धरती के पास से रविवार को सुबह 8:20 पर गुजरेगा। धरती के इतने पास से इतना बड़ा कोई उल्कापिंड इसके बाद साल 2024 में ही गुजरेगा। इसकी गति 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी जे उल्कापिंड 11,200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।